हेलो गाइस, मैं हूँ इतर और आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप अपने लैपटॉप में पार्टीशियन में उबंटू कैसे डाल सकते हैं। विंडोज़ 10 पे काम करेगा, विंडोज़ 11 पे काम करेगा। अभी मैं विंडोज़ 11 पर हूँ, तो फिर देख लेते हैं। तो सबसे पहले अपन को दो चीज़ें डाउनलोड करनी होंगी, तो क्रोम पर चलते हैं और यहाँ पर मैं सर्च करूँगा रूफस डाउनलोड फॉर विंडोज़। और रूफस की ये वेबसाइट्स हैं, तो ये वाली वेबसाइट पर, पहली वेबसाइट पर जाइए और फिर नीचे जाइए, यहाँ पर सबसे अपडेटेड वाला वर्जन डाउनलोड कीजिएगा। अगर आपके में नहीं दिखा रहा तो जो भी सबसे अपग्रेडेड है वो वाला डाउनलोड कीजिए। अब मैंने इसको डाउनलोड कर दिया, ऐड को कैंसिल कर दिया मैंने और यहाँ ये डाउनलोड हो गया। अब अपन को चाहिए है उबंटू की फाइल। उबंटू एक लिनक्स का सॉफ्टवेयर है। उबंटू डाउनलोड 20.04 सबसे अपडेटेड है, तो मैं वही डाउनलोड करने वाला हूँ, 20 ये वाला। तो इसको मैंने डाउनलोड कर लिया, उबंटू डेस्कटॉप। ये ISO फाइल है, आपको इसे एक फाइल बनी होगी उसके ऊपर डिस्क होगा। तो ये बहुत देर में डाउनलोड होगा इसलिए मैं इधर से कैंसिल कर देता हूँ। और जो है मैं क्या करूँगा कि कॉपी लिंक एड्रेस, और मेरे पास एक सॉफ्टवेयर है IDM नाम का, उससे जल्दी डाउनलोड हो जाता है। ऐड URL और यहाँ पे पेस्ट कर दिया, ओके, स्टार्ट डाउनलोड। ओ ये HTML डाउनलोड कर दिया इसने, ओके, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है अपन को। अपन ऐड URL की जगह टास्क फाइल अपन इसी से कर लेते हैं, क्योंकि ये जो है बहुत टाइम लगाएगा, इससे मुझे ढूंढना पड़ेगा। ये डाउनलोड हो रहा है तो इसको थोड़ा टाइम लगेगा, इसलिए आपको थोड़ा वेट करना पड़ेगा, क्योंकि 2.7 GB का है। तो अपन इसको यहाँ से डिलीट कर देते हैं। तो आपके पास सबसे पहले एक पेन ड्राइव होनी चाहिए, तभी वो काम करेगा। अगर पेन ड्राइव नहीं है तो वो काम नहीं कर सकता। मैंने पहले से इसमें एंड्रॉयड डाल के रखा हुआ है। अगर आपको एंड्रॉयड भी डालना सीखना है तो मुझे कमेंट डाउन में बता दीजिए। अगर कमेंट्स ऑफ हो तो फिर मुझे बता दीजिएगा आप डिस्कशन बॉक्स में। तो इसको अपन कैंसिल कर देते हैं और यहाँ पर चलते हैं, इसको डाउनलोड होने देते हैं अपन। अभी इसमें थोड़ा बहुत टाइम लगेगा तो मैं वीडियो को पॉज कर देता हूँ। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि ये पूरा डाउनलोड हो चुका है। तो मुझे एक और चीज़ बतानी है, अगर आपके पास एक और ड्राइव होनी चाहिए जो जिसमें फ्री स्पेस होनी चाहिए तभी डाउनलोड कर सकते हैं, लेकिन मेरे पास फ्री स्पेस नहीं है उस पर। जैसा कि मैंने बताया था कि मैंने एंड्रॉयड डाउनलोड किया हुआ है, तो मैं आपको लाइव दिखाऊंगा और बता दूंगा इंस्टॉल कैसे करते हैं। तो फिर ये डाउनलोड हो चुके हैं, अब अपन आगे बढ़ते हैं। तो रूफस पे जाते हैं पहले, तो अपन यस पर क्लिक करते हैं और फिर यहाँ पर डिवाइस लिखा हुआ है उबंटू। यहाँ पर अब यहाँ जो लिखा ना बूट सिलेक्शन, यहाँ पर सिलेक्ट का ऑप्शन है, सिलेक्ट किया तो अब ये वाली फाइल जो अपन ने डाउनलोड की थी इसको यहाँ पर ओपन कर देना है। तो अब ये हो चुका है, ठीक है, और यहाँ पर हो चुका है, ये हो चुका है, ये हो चुका है। अब आपको रेडी पर क्लिक कर स्टार्ट पर क्लिक करना है, रेडी पर नहीं। और यहाँ लिखा है ISO इमेज है, ओके, यस, जो आपकी पेन ड्राइव है उसमें जो भी डाटा है वो सब डिलीट हो जाएगा ये बोल रहा है। तो मेरे पास कुछ डाटा नहीं है इसलिए मैं ओके करूँगा।
ये हो रहा है अभी, ज़्यादा टाइम नहीं लगता इसमें। तो गाइस जैसा कि आप देख सकते हैं कि 3% बचा है सिर्फ, 2%, और बस 1%, बस थोड़ा सा बचा है। अब ये रेडी पर क्लिक कर देना है आपको, मतलब क्लिक करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ये रेडी हो चुका है। जैसा कि आप देख सकते हैं, जिस पीसी में गया मैं, और ये रही मेरी फाइल जिसमें पूरी चीज़ें आ चुकी हैं। अब मुझे क्या करना है कि पीसी को रीस्टार्ट करना है, तो मतलब कि मुझे फ़ोन से रिकॉर्डिंग करनी होगी। तो फिर उसके लिए वीडियो क्वालिटी में अंतर आ सकता है। तो ठीक है, तो मैं अभी रीस्टार्ट करता हूँ। तो गाइस जैसा कि आप देख सकते हैं कि ये तो मेरी रिकॉर्डिंग है जो मैं अभी बना रहा था, ये रूफा से अपना, इसको एक मिनट गाइस। तो अब ये तो मैं कैंसिल कर देता हूँ, ये फ्लैशबैक भी कैंसिल कर देता हूँ। तो अब ये मेरा लैपटॉप है, तो मैं इसको रीस्टार्ट करूँगा। इसको पहले, ये विंडोज़ 11 है, नहीं तो वैसे ही रीस्टार्ट करना है, कोई अंतर नहीं आएगा उसमें। जैसा मैंने आपको बताया था कि बायोस सेटिंग में कैसे जाते हैं, तो वैसे ही आपको जाना होगा बूट मेन्यू में। मैं आपको अभी दिखा देता हूँ, रीस्टार्ट हो रहा है अभी। तो ये चला गया मैं यहाँ पर, और अब देख सकते हैं आप, यहाँ पर लिखा है बायो सेटअप और बूट डिवाइस ऑप्शन। तो F9 से बूट डिवाइस ऑप्शन पर जाते हैं, तो अपन को बूट डिवाइस ऑप्शन पर जाना है। अब बूट ऑप्शन पे आ गया है, तो यहाँ पर लिखा होगा डिस्क ड्राइव, लेकिन अपन को अपनी पेन ड्राइव से इसमें देना है, तो USB हार्ड ड्राइव लिखा है, इस पर करना है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर एक कीबोर्ड बना है और एक आदमी बना है। ये देखिएगा इस, यहाँ पर अब कुछ लिखा आने लगा है, और अब यहाँ पे Ubuntu चालू हो चुका है। यहाँ पर चेक कर रहा है वो डिवाइस, तो इसमें टाइम लगेगा फिर से, तो मैं फिर से वीडियो को पॉज कर रहा हूँ। 94% हो चुका है, अब ये हो रहा है धीरे धीरे, और चेक फिनिश हो गया है, नो एरर फाउंड लिखा था। अब ये थोड़ी देर तक घूम रहा है। तो गाइस जैसा कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पर खुल चुका है Ubuntu, लेकिन अभी पूरा नहीं हुआ। यहाँ पर आप अपनी लैंग्वेज चूज लीजिए, तो अब आप इंस्टॉल कर सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास एक और हार्ड ड्राइव है जिसमें फ्री स्पेस है, और डिलीट करने से फ्री स्पेस नहीं आती है, उसके कुछ टूल आते हैं, आप यूट्यूब पर सर्च करेंगे तो मिल जाएगा, नहीं तो मैं भी वीडियो बना दूंगा उसका। तो मेरे पास तो फ्री स्पेस नहीं है, इसलिए अभी मैं ट्राई Ubuntu कर रहा हूँ। तो यहाँ पर ये लाइव Ubuntu चलेगा, ये जो भी अपन सेव करेंगे वो, मतलब जो भी अपन चीज़ें सेव करना चाहेंगे वो सेव नहीं होगा, सिर्फ तब तक दिखेगा जब तक अपन ने उसको चलाया है। जैसे कि मैंने इसका वॉलपेपर बदला, तो वो अगर मैंने शट डाउन करके फिर से चालू किया तो वो वॉलपेपर नहीं रहेगा, और मुझे पूरा करना पड़ेगा ये, यानी अभी इंस्टॉल नहीं है, सिर्फ दिख रहा है। मतलब इसमें से आप चला सकते हैं, सारी चीज़ें चल जाएंगी, लेकिन अभी ये इंस्टॉल नहीं हुआ है, आपको इंस्टॉल करना पड़ेगा। तो
थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग माई वीडियो।